ये इस नदी का कोई छोर ही नहीं है, वो पता इसके नहीं नदी है। का कोई अंत ही नहीं है, कहीं तक जाओगे तुम जहां तक। बावड़ी, हमारे इधर बावड़ी बोलते ना, और हमारे तो झोड़ बोलते। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल भारत साइकिल यात्री पर आपका स्वागत है। तमें केम छो मजमा दोस्तों, आज हम चलेंगे सिद्धपुर, जहाँ रुद्र महल्ले है। ये एक शिव मंदिर था जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ दिया था, और उसके बाद चलेंगे मोढेरा, वहाँ देखेंगे सन टेम्पल, सूर्य मंदिर। होटल सासुमा, माय गॉड, कैसे कैसे नाम रखे लोगों ने। देखिए हम खड़े हैं गुजरात के मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में हैं। यहाँ पर जगह जगह पर तेल के कुएं हैं, तो इस तरह से तेल निकाला जा रहा है यहाँ से। IOCL निकालती है ये तेल, ये देखिए रोड के दोनों तरफ हमें जगह जगह मिल जाता है, कई जगह देखा मैंने। ये देखिए काम चालू है, तेल निकल रहा है इनमें से। और छोटा सा कस्बा है, यहाँ पर है एक पुराना मंदिर रुद्र महल है। वही देखने जा रहे हैं हम। यह है दोस्तों रुद्र महल्ले, गुजरात के पाटन जिले के सिद्धपुर में स्थित है, जो कि सन 943 में बनाना शुरू किया गया था और 1140 में जाके पूरा हुआ। इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ा था, उसके बाद अहमद शाह प्रथम ने। अभी गवर्नमेंट ने इसे टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया है। यह विवादित स्थल है, इसलिए बंद है। ये शिवजी को समर्पित है। इसके अवशेष पड़े हैं यहाँ पे। ये देखिए हम रोहित भाई की छत पे आए हैं, ये हमें छत पे लेके आए हैं दिखाने के लिए। यहाँ से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। ये गेट होता था आगे, गेट है ये गेट वाला है, ये गेट है पहले। ये अवशेष बचे हैं बस मंदिर के। सरस्वती नदी, सरस्वती नदी ये कहाँ से कहाँ बहती है। ये इस नदी का कोई छोर ही नहीं है, वो पता इसके नहीं नदी है। का कोई अंत ही नहीं है, कहीं तक जाओगे तुम जहाँ तक जाओगे ना इसका कोई छोर नहीं मिलेगा। या जाके सीधा रण आता है ना, उसमें समा जाती है, रण में समा जाती है। पर सरस्वती नदी तो ऊपर पहाड़ों से अखंड से सरस्वती नहीं आती होगी, उसका कोई छोर ही नहीं है नदी का। मैं बोल तो रहूँगा इस नदी, यहाँ तक जाओगे पाटन में मिल जाएगी नदी जाके। पानी रहता है इसमें हमेशा? नहीं, ऑल टाइम नहीं रहता। अच्छा, बरसात के समय, बरसात के टाइम में। ये तो क्या पता नदी, पता ये कैसी है। और ये मंदिर है जो आप बता रहे हैं कि सरस्वती का सबसे ओल्ड, सरस्वती नदी का सबसे पुराना मंदिर है ये। हाँ, पुराना है ये, वो महादेव का मंदिर ये वाला, इसके पीछे, इसके पीछे जो रुद्र महल है। रुद्र महल है, हाँ। ये देखिए घंटा घर, सही 12 बज गए एग्जैक्टली। पूछते हैं
भाई साहब हाईवे के लिए निकलना है, हाईवे सीधा ठीक है, थैंक यू। वाओ वाओ क्या बोले इसको, बोले वाओ वाओ बावड़ी, हमारे इधर बावड़ी बोलते ना, और हमारे तो जोड़ बोलते हैं। आज मशीनों से भी नहीं होती ऐसी नक्काशी है ना, देख हाँ ये देखो छत की है ना, हाँ वो भी अच्छे हैं, दिलवाड़े के जगमंदिर भी अच्छे हैं। हाँ रणकपुर का जैन मंदिर वो भी पार्श्वनाथ मंदिर है, बहुत वो भी विशाल है, और उसमें 1444 खंबे हैं, 1444 खंबे भाई साहब, गिनती गिनती करते करते आदमी परेशान हो जाए। देखिए ये देख नक्काशी है ना, बढ़िया ऊपर देख, ऊपर छत पे देख, ये दूसरा है, पीछे की तरफ चलते हैं देखते हैं पीछे क्या है। अच्छा ये मेन, मेरे ख्याल से मेन गर्भगृह ये है मंदिर का जो बंद है, ये देखिए बाहर की तरफ भी, हाँ बहुत बढ़िया नक्काशी हो रखी है, हाथ से कितनी मेहनत लगती होगी ना, ये हाथ से एक एक चीज बारीकी देख, जरा देख यहाँ पे देख बारीकी देख, जरा जरा से छोटे 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 बिल्कुल पत्थरों पे, ये देखिए हाथी है, हाँ 25 रुपये की टिकट है, 25 रुपये की टिकट है इंडियन के लिए, और बाकी भगवान की प्रतिमा है उसके ऊपर 3, 3, 6 और 1, 7 घोड़े देख, दिख रहे देखा, ये वैसे घिस रहे हैं धीरे धीरे ना बारिश से, वैसे हवा से थोड़ा थोड़ा, पूरी डिजाइन बनता है लेकिन पहले आपको आर्किटेक्ट से पार्किंग कहाँ बनाएंगे, सही बात है सर, तो यहाँ तो उन्होंने सन रे लेने के लिए बनाया लेकिन पहले उन्होंने सोचा कि लोग पैदल आएंगे तो आप पहले स्नान करने के लिए क्या बनाएंगे, सही बात है सर, क्योंकि बारिश नहीं हुआ तो लोगों ने स्नान किया, फिर टेम्पल में गए, फिर पूजा करने के बाद इधर बैठे, लेकिन ये कभी ये इलाका भूकंप वाला है, अर्थवेग आएगा और गिरेगा तो देखिए ये थोड़ा अर्थवेग की वजह से थोड़ा गिरा है, बट टेम्पल इज नॉट क्रैक, देखा थोड़ा स्टील टेप डाउन, मतलब उन्होंने इंटरलॉक सिस्टम बनाया, फिर लोगों के पास मनी नहीं बट टाइम था, इस तरह के स्टैचू देखते थे ना, राम सेतु ब्रिज बांधते वक्त पत्थर ले जाते वानर, ये विष्णु भगवान का वरा अलग अलग है स्टाइल, बारिश है तो आपको नीचे बैठना है, गर्मी के टाइम आपको ऊपर बैठना है, ख्याल आ गया, और ये बच्चों देखिए तलवार की ढाल लगाया है, वाली और सुग्रीव टू मदर वॉर,
मतलब टू ब्रदर के बीच में वॉर नहीं होना चाहिए, टू सिस्टर के बीच में वॉर नहीं होना चाहिए, समझ गए आप? रावण का भाई गदा लेके आता है, तो मंदिर से ये लोग सुन रहे हैं इंदिरा, दो सिस्टर के बीच में वार नहीं चाहिए और दो ब्रदर के बीच में वार नहीं चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। सब लोग हाथ जोड़ के मना करते हैं, टू ब्रदर या टू सिस्टर के बीच में यूनिटी होनी चाहिए, अगर आप यूनिटी बना के वर्क करेंगे कोई भी मुश्किल वाला काम कर सकते हैं, अगर यूनिटी टूट गई परिवार टूट गया, सही बात है सर। लेकिन मैसेज क्या है, ऊपर देख के संगीत है, जब आपको लगेगा आज मूड मेरा अपना संगीत सुन सकते हैं, सही बात है। यहाँ लेडीज की अलग अलग हेयर स्टाइल, मतलब हेयर स्टाइल भी चेंज कई है, बहुत बहुत कुछ है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें प्लीज, और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।